हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एस के चौधरी और आज मैं आपसे ब्रेन ट्रेसी की बुक लक्ष्य यानी कि गोल से 10 टिप्स शेयर करने वाला हूं। ये बहुत ही पावरफुल बुक है जिसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर वन, अपनी संभावना का ताला खोलें, अनलॉक योर पोटेंशियल। आप एक कबूतर को उसके बसेरे से बाहर निकालकर एक पिंजरे में रखते हैं। उस पिंजरे पर कंबल ढककर एक बक्से में पैक कर देते हैं और फिर उस बक्से को एक बंद ट्रक में रख देते हैं। आप किसी भी दिशा में 1000 मील चले जाएं और इसके बाद ट्रक खोलें, बक्सा बाहर निकालें, कंबल हटाएं और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाल दें। वो फौरन हवा में उड़ जाएगा और बिना किसी गलती के 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे की तरफ चल देगा। दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी के पास यह अविश्वसनीय साइबरनेटिक लक्ष्य केंद्रित हुनर नहीं होता है, सिवाय इंसान के। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आपको ये पता करने की जरूरत भी नहीं होती है कि यह कहाँ है या इसे कैसे हासिल करना है। आप ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इतना फैसला भर कर लेने से ही आप बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका लक्ष्य बिना किसी गलती के आपकी ओर बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही समय और जगह पर आप और आपका लक्ष्य एक दूसरे से मिल जाएंगे। कल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर में खड़े हैं और आपसे उस शहर में किसी खास घर या ऑफिस तक गाड़ी से पहुंचने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और आपके पास शहर का मैप नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप मैप और साइन बोर्ड के बिना शहर में उस मकान या ऑफिस को खोजने में कितना समय लगेगा? शायद पूरी जिंदगी लग सकती है। और दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह जीते हैं। नेक्स्ट, अपनी जिंदगी की बागडोर थामे। एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, वह व्यक्ति इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराते रहेगा, नकारात्मक भावना उसे नियंत्रित करती रहेगी और उसकी जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेगी। लेकिन जैसे वो कहता है, ठीक है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें होती रहती है, मुझे नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाना चाहिए। जैसे उसकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती है, उसका दिमाग शांत हो जाता है, वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है, वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित हो जाता है जो वह दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे वह खुद को सही साबित करना छोड़ देता है, वह ज्यादा पॉजिटिव बन जाता है। तो दोस्तों, आज के बाद किसी भी चीज के लिए दूसरे को दोष देना छोड़ दें, अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ रखें और इसके बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहां जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। लक्ष्यों के बारे में सोचने भर से ही आप सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। बड़ी हैकेट ने एक बार कहा था, मैं कभी द्वेष नहीं पालता। जब आप जल भूल रहे होते हैं तब आपके शत्रु नाच गा रहे होते हैं। नेक्स्ट, अपने भविष्य का निर्माण करें। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते हैं। सवाल यह है कि लीडर ज्यादातर किस चीज के बारे में सोचते हैं? जवाब है, लीडर भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो इस बारे में सोचते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के लिए वह क्या कर सकते हैं। चार्ल्स गारफील्ड ने एक स्टडी किया जिसमें उन्होंने एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने ऐसे लोगों का विश्लेषण किया जिन्होंने कई सालों तक अपने काम में सिर्फ औसत परिणामों को ही हासिल करने के बाद अचानक बड़ी सफलता हासिल कर ली। उन्होंने पाया कि उनमें से हर एक ने ब्लू स्काई थिंकिंग का इस्तेमाल किया। ब्लू स्काई थिंकिंग में आप कल्पना करते हैं जिस तरह आप साफ नीले आसमान को देख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह आपके लिए भी कोई सीमा नहीं है। तो आप कई साल आगे पहुंच जाते हैं और कल्पना करते हैं कि आपकी जिंदगी हर दृष्टि से आदर्श बन चुकी है। फिर आप पलट कर देखते हैं कि आज आप कहाँ हैं और खुद से ये सवाल पूछते हैं, मेरे आदर्श भविष्य को गढ़ने के लिए मैंने क्या क्या किया होगा। फिर आप अपने दिमाग में वर्तमान तक लौटते हैं और पूछते हैं, इस पल के बाद मुझे क्या करना होगा ताकि मैं भविष्य में किसी समय अपने सारे लक्ष्य को हासिल कर लूं। नेक्स्ट, अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। बड़े होते वक्त कई लोगों को मुश्किल अनुभव हुए, वे मुश्किल दौर में फंस गए और गलत संगत में पड़ गए। उनका व्यवहार गैर कानूनी और बुरा था। कुछ को तो उनके अपराधों के लिए जेल की सजा हुई थी, लेकिन जिंदगी में एक निश्चित मोड़ पर उन्होंने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने गंभीरता से सोचा कि वे भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हैं। वे जिन जीवन मूल्यों के अनुसार जीते थे उन्हें बदलकर उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। इस निर्णय पर अडिग रहकर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली और जो दूसरों ने क्या वो आप भी कर सकते हैं। याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, असल फर्क तो इससे पड़ता है कि आप जा कहां रहे हैं। नेक्स्ट, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें।
अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक चीज कर सकें तो वो क्या होगी? याद रखें, आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते हैं। कल्पना करें कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दिन बाद आपका डॉक्टर आपको बुलाकर कहता है कि मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि अगले 6 महीने तक आप बहुत ही स्वस्थ जीवन जिएंगे। बुरी खबर यह है कि 6 महीने के बाद आप एक असाध्य रोग से मर जाएंगे। अगर आपको आज पता चले कि जीने के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो आप ये आखिरी 6 महीने कैसे गुजारेंगे? आप ये समय किसके साथ बिताएंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप कौन सा काम पूरा करने की कोशिश करेंगे? ये सवाल पूछने पर आपके दिमाग में जो भी सबसे ऊपर आता है वह आपके सच्चे जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के को ऑथर मार्क विक्टर हैंसन की सलाह है कि आप कागज पर कम से कम 100 लक्ष्यों को लिखें जिन्हें आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं। फिर यह कल्पना करें कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपके पास समय, पैसा और संसाधन मौजूद है। इसके बाद एक आश्चर्यजनक चीज होगी, 100 सपनों की सूची बनाने के 30 दिन के भीतर ही आपकी जिंदगी में उल्लेखनीय घटनाएं होने लगेगी। आपके लक्ष्य इतने तेजी से हासिल होने लगेंगे जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको भी इसे आजमा कर देखना चाहिए, आप परिणाम को देखकर हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट, अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह उंगली जितना छोटा सा हिस्सा उसी तरह काम करता है जिस तरह की बड़े ऑफिस में टेलीफोन स्विच बोर्ड करता है। जिस तरह सारी फोन कॉल्स पहले स्विच बोर्ड पर आती है और बाद में उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, उसी तरह आपकी इंद्रियों से आने वाली सारी जानकारी रेटिकुलर कॉर्टेक्स द्वारा आपके मस्तिष्क या आपकी चेतना के उचित हिस्से पर पहुंचाई जाती है। जब आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को लक्ष्य या संदेश भेजते हैं तो यह तत्काल आपके परिवेश में मौजूद ऐसे लोगों, जानकारी और अवसरों के बारे में आपको जागरूक और चौकस करने लगता है जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट, अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। कल्पना करें कि विश्वास की दुकान है काफी हद तक किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर की तरह, जहां जाकर आप कोई भी विश्वास खरीद सकते हैं और अपने अवचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी विश्वास चुन सकते तो कौन सा विश्वास आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा, ये अपने मन से आप चुन सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो चुनिए कि मुझे जिंदगी में सफलता मिलना तय है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिलना तय है तो आप ऐसे चलेंगे, बोलेंगे और काम करेंगे जैसे जिंदगी में आपके साथ होने वाली हर घटना आपको सफल बनाने की योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट, शुरुआत से शुरू करें। कल्पना करें कि आप किसी देश की लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी मंजिल चुननी होगी, फिर आपको नक्शा लाकर वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा। हर दिन सफर शुरू करने से पहले आप नक्शे में अपनी स्थिति को देखेंगे कि आप कहाँ हैं और शाम तक कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी भी काफी हद तक ऐसी ही होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने अपना वजन कम करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम अपना वजन तौलना होगा। उसके बाद आप लगातार उस वजन को इस बात का पैमाना बना लेंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तरक्की कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम यह तय करना है कि आज की तारीख में आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं और इच्छित रिजल्ट पाने के लिए कितने दिन तक ये एक्सरसाइज आपको करना है। नेक्स्ट, अपनी प्रगति मापें। स्कोर पता करने और उस पर करीबी निगाह रखने भर से ही उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी मीटिंग से पहले कोई आपको बताए कि आपका मूल्यांकन इस बात से होगा कि आप उस मीटिंग में हर बात कितनी अच्छी तरह से सुनते हैं, तो कुछ ही पलों में आपकी सुनने की योग्यता नाटकीय रूप से बेहतर हो जाएगी। आप मीटिंग के दौरान ज्यादा सावधानी और गौर से सुनेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मूल्यांकन का आधार यही है। इसी तरह, आप जब भी कोई लक्ष्य चुनते हैं और अपने दैनिक जीवन में उस पर नजर रखते हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सुधर जाता है। नेक्स्ट, राह की बाधाओं को हटा दें। सफलता और उपलब्धि की राह की दो प्रमुख बाधाएं हैं, डर और शंका। सबसे पहले तो असफलता नुकसान का डर होता है जो ज्यादातर लोगों को कोशिश करने से भी रोकता है। लक्ष्य के बारे में सोचते ही ये डर उन पर हावी हो जाते हैं। दूसरी मानसिक बाधा है आत्मशंका यानी सेल्फ डाउट। हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता बल्कि शक होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा बेहतर, स्मार्ट और कार्यकुशल हैं। हम सोचते हैं कि मैं स्मार्ट और कार्यकुशल नहीं हूं जितना सामने वाला है। हम अपने बड़े लक्ष्य हासिल करने की चुनौती के समक्ष अक्षम और हीन महसूस करते हैं।
दोस्तों आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह में जरूरी चीजें जितनी ज्यादा सीखते हैं आपको उतना ही कम डर लगेगा और उतना ही ज्यादा साहस व आत्मविश्वास महसूस होगा। जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था आप शायद बहुत तनाव में थे और घबरा रहे थे क्योंकि आप गलत तरीके से कार चला रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ आप कार चलाने में माहिर बन गए। आज आप आराम से कार चलाते हैं बिना किसी डर या चिंता की। आप कार चलाने में इतने निपुण हो चुके हैं कि आप इसके बारे में सोचे बिना भी इसे अच्छी तरह से चला सकते हैं। यही सिद्धांत हर उस योग्यता पर लागू होता है जिसे आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए सीखना है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 10 चैप्टर कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट करके हमें बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।